हाय, माय नेम इज़ भरत अलावत एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। थैंक यू। आई एम स्वाति शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। मेरा जो कैरेक्टर है आशिका, वो बहुत एक सिंपल स्वीट सी लड़की है, बहुत सीधी सादी सी लड़की है, और मतलब शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो अपनी लाइफ अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीती है, बहुत सेल्फलेस लड़की है। मेरा कैरेक्टर तो मेरा फेवरेट है। जैसे कॉलेज में, मतलब यूथ को बहुत पसंद आएगा ये कैरेक्टर, कि कॉलेज लाइफ पूरी दिखाई जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली रिपोर्टर, थैंक यू। थैंक यू। मेरा जो कैरेक्टर है आशिका, वो बहुत एक सिंपल स्वीट सी लड़की है, बहुत सीधी सादी सी लड़की है, जो आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है। आई मीन, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियाँ टेढ़ी होती है, बट जैसे मैं भी अपनी रियल लाइफ में बहुत बबली चर्पी सी हूँ, बट आशी जो है वो ऐसा किरदार है जो मुझे ऐसा लगता है एल्डर्स को, लाइक पेरेंट्स को, दादा दादियों को, उन लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, और ऐसे लड़कों को जो वाइफ मटेरियल काइंड ऑफ देखना चाहते हैं ना उनको। और मतलब शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो अपनी लाइफ अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीती है, बहुत सेल्फलेस लड़की है। वो अपनी लाइफ में कुछ भी आगे करना चाहती है तो सिर्फ अपने बाबा और उसके परिवार के लिए करना चाहती है। तो मेरा कैरेक्टर तो मेरा फेवरेट है। जैसे कॉलेज में, मतलब यूथ को बहुत पसंद आएगा ये कैरेक्टर, कि कॉलेज लाइफ पूरी दिखाई जाएगी और आगे सीक्वेंस कैसे बढ़ती है। मतलब एक बंदे को मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए, और कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि तुम रियल लाइफ में रिलेट नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, और ऐसा होना चाहिए लड़के को। मतलब लड़की की, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, और मतलब हर चीज़ में अच्छा है। पढ़ाई का नहीं बोल सकते, सॉरी। हाँ, ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। गेम्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है। और इसके अलावा जानना चाहेंगे, आप दोनों ने पहले भी साथ में काम किया है, चाहते हैं एक बार दोबारा आप दोनों की जोड़ी देखने को मिली है, तो क्या कुछ अलग रहा पहले से और अब तक, डिफरेंस अगर आप बताना चाहेंगे? डिफरेंस मेरे ख्याल से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो हम दोनों के ही कैरेक्टर थे, मैं बहुत बबली सी लड़की थी, तो मेरे लिए बहुत इजी भी था। बस मुझे लाइंस पढ़नी है, मुझे पता है जैसी मैं हूँ मुझे वैसे के वैसे ही डिलीवर करना है। सेम मुझे लगता है भरत के साथ भी था, हम लोग बहुत रिलेट कर पाते थे उस टाइम भी कैरेक्टर्स से। तो उस टाइम जो कैरेक्टर था उससे ये एटलीस्ट मुझे, मेरे लिए तो लगता है, भरत का मुझे पता नहीं, बट मुझे मेरे लिए तो लगता है टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो कहाँ बबली सी लड़की थी, पूरे टाइम चक 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 करती रहती थी, और यहाँ पे मेरी चक्कर वक्कर बिल्कुल बंद हो गई है। सो मैं एकदम शांत सीधी सी लड़की हूँ, जो पेरेंट्स के अंडर रहती है, काकी से डरी रहती है, दुबकी रहती है। बहुत डिफरेंट है, ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट है। लास्ट शो में मैं फ्री बर्ड बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ मैं पूरा फ्री हूँ। हर चीज़ में मेरे को हर चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है, अपने फादर की तरफ से, अपने कॉलेज में। कॉलेज का जो सीक्वेंस है वो तो मेरा फेवरेट है, कि मुझे वो कॉलेज लाइफ वापस जीने का चांस मिल रहा है। और जो मोहित का कैरेक्टर था, उसको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी उसको पूरा टाइम, ये चीज़ें वो चीज़ें, और तो यहाँ वो माइंड ज़्यादा यूज़ करता था, ये वाला दिल ज़्यादा यूज़ करता है, दिल से सोचता है। तभी मैं बाद में आंसर करूँगी, मैं जब तक आंसर करती हूँ अच्छा से सोच लेता हूँ, और मैं कुछ भी बोल देती हूँ।